स्वप्नल देखिए लोग कितना मस्ती से खा रहा है। अच्छा लग रहा ना बेटा? सो फ्रेंड हम यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं मेरा जेठानी का बच्चा लोग को। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सीमा ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड फिर से एक नया ब्लॉग में हम आ गए हैं, वो भी बहुत दिन के बाद। फ्रेंड मेरा तबीयत बहुत ख़राब था फ्रेंड, हम इसलिए ब्लॉग बनाना छोड़ दिए थे। आज हम आप सबको एक बात बताना चाहते हैं, मतलब बताना दिखाना चाहते हैं। ये रही मेरा इंडक्शन, देखिए। और इस इंडक्शन में मतलब इस इंडक्शन में हम अपना रोटी बना के आप सबको दिखाते हैं। बहुत कोई महिला बोलती है कि इंडक्शन में रोटी नहीं बनती है, तो हम आप सबको बताते हैं रोटी कितना अच्छा बनती है। देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही मेरा ब्लॉग पर बने रहिए। ये देखिए गेहूं का आटा से हम एक ठो लोई का रोटी बेल के रखे हैं। और ये रहा, हम देखिए तावा में देने जा रहे हैं, दे दिए। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कितना अच्छी तरह से रोटी बन के रेडी हो जाती है। तो ऐसे ही मेरा ब्लॉग पर बने रहिए लास्ट तक। सो फ्रेंड हम गैस में नहीं बनाते हैं क्योंकि मेरा गैस ख़त्म हो गया है, हम भरवाए नहीं हैं। हो गया करीब 2 महीना से ज़्यादा हम गैस नहीं भरा हैं, पैसा का बहुत शॉर्ट है फ्रेंड। और हम लोग का ऑटो भी अच्छा से नहीं चल रही है, अभी प्रॉब्लम में है हम लोग थोड़ी बहुत, तो इसलिए हम इंडक्शन में हम बना रहे हैं। तो देखिए रोटी बन के कैसा रेडी हो रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड हर तरफ से रोटी बन के रेडी हो, इसको हम पलटी कर देते हैं। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा रोटी का रेसिपी, आप लोग कमेंट में बताइएगा फ्रेंड। और ये काफ़ी अच्छे तरह से पक गई है, तो इसको हम फुलाने के लिए पलटी करके हम इसको रोटी को सेकेंगे बढ़िया से, ताकि चारों तरफ फूल जाए। आप लोग देखिए। सो फ्रेंड आप लोग को कैसा लग रहा है आज का रेसिपी मेरा, आप लोग कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड। आप ही लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा कमेंट्स लिखिए फ्रेंड। ये आधा फूल गया और आधा इधर से फुलाएंगे। देखिए पूरा रोटी को फुला दिए फ्रेंड। तो देखिए मेरा रोटी बन के रेडी हो गया है दोनों तरफ से। आप लोग देख सकते हैं रोटी खूब सुंदर से बन गया है, आप लोग को कमेंट में बताना है कि कैसा बनी है फ्रेंड। सो फ्रेंड तो आप लोग ऐसा भरम ना करें कि इंडक्शन में कुछ नहीं बन सकता है, हर चीज़ बन सकता है चाहेंगे तो। अपने मन में उल्टा पुल्टा कुछ भरम मत लाइए। और आप लोग तो रीजन जान गए, हम बहुत किसी से सुने हैं कि इंडक्शन में रोटी नहीं बनती है, लेकिन आप लोग तो देखे ना बनती है या नहीं बनती है। तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा और हम थोड़ी देर बाद आप सबसे मिलते हैं ब्लॉग में, ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक। सो फ्रेंड हम आप सबको तो दिखा दिए रोटी कैसी बनती है, और अभी हम बना रहे हैं फ्रेंड, आप सबको दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए, ये देखिए कढ़ाई में हम बैठाए हैं, ऑयल ऑयल के साथ डाल दिए हैं प्याज, आप सबको दिखाते हैं, आप लोग देखिए। सो फ्रेंड अभी भी हम देखिए इंडक्शन में ही बना रहे हैं, और यहाँ पर प्याज तेल के साथ डाल दिए हैं, फ्राई कर रहे हैं। तो हम अभी बनाने वाले हैं, आप सबको बता रहे हैं। और इतना भी हम वेट नहीं कराएंगे फ्रेंड, ताकि आप लोग मेरे को गुस्सा जाए। और जो आप लोग न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, सीमा गोप में खोले हुए हैं। और पता नहीं फ्रेंड हम कैसे बोलते हैं, आप लोग को मेरा बॉडी पसंद है या नहीं है मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरा ब्लॉग पर सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो अभी हम बनाने वाले हैं, मतलब ज़्यादा उलझाएंगे नहीं बात पर, तो हम बनाने वाले हैं चिकन। तो आप लोग वेट कीजिए और थोड़ा देरी, ज़्यादा नहीं, आप सबको हम दिखाते हैं। तो अभी फिलहाल फ्राई हो रहा है, मसाला फ्राई करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पर बने रहिए और आप सबका प्यार बनाए रखिए, ताकि हम ये तो आप लोग की तरफ बारिश हो रहा ना नहीं हो रहा, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आप सबको इतना सारा कुछ बताते हैं, आप लोग का भी तो हक बनता ना एक ठो कमेंट, सिर्फ एक ठो, ज़्यादा नहीं, अच्छा लगता है कि हमको लगता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट में है। बस बस कीजिए, और अभी बन रहा है चिकन, और भाजी बनाने वाले थे तो
वो भी मुनगा भाजी तो मेरा बकरी खा गया। तो देखिए फ्रेंड, प्याज का फ्राई हो रहा है, ऐसे ही ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो मतलब इसमें हम ग्राइंडर करके रखे हैं अदरक लहसुन और प्याज और जीरा का पेस्ट बना के रखे हैं। सो फ्रेंड फाइन, प्याज को फ्राई कर लिए हैं और अब हम मेरा मसाला डाल देते हैं। पहले फ्राई करते रहेंगे ऐसे ही, मतलब आप लोग को अगर ऐसे ही चिकन बनाना होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है रेसिपी देख के। मसाला फ्राई हो रहा है फ्रेंड, अगर कलर हल्का सा डाल देंगे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड। ये लाने बेटा पैकेट पर है लगी, तो हल्का सा कलर डाल देंगे हल्दी पाउडर और अब इसको हम फ्राई होने देते हैं। सो फ्रेंड अभी हम इसमें देखिए मसाला पाउडर हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड। देखिए इसको मिक्स कर देते हैं। मसाला का सेंट बहुत अच्छा था, हल्का सा दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं और अब इसको फ्राई होने देते हैं। तो फ्रेंड आपको देख के कैसा लग रहा है मेरा चिकन बनाने का तरीका, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सो फ्रेंड आप सबको दिखाई दे रहा होगा तेल छोड़ दिया है मसाला से और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। और अभी अभी हम जस्ट टमाटर भी डाल देते हैं और टमाटर डाल देंगे तो फ्रेंड बहुत अच्छा सा गीला हो जाएगा। तो फ्रेंड हम कुछ एक बात मतलब हम थोड़ा सा कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, बोलना ये चाहते हैं कि हम जब भी बात करते हैं हमको उतना हिंदी नहीं आती है ठीक से, हम उड़िया भी मिला के बात कर लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मतलब हंसिएगा, मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, नहीं जानते हैं हम अपना हिंदी ठीक से, हम हिंदी बात नहीं जानते हैं, हमको जितना जानकारी है उतना ही बोलते हैं और कुछ कुछ टॉपिक में हम उड़िया भाषा मिला देते हैं। तो अगर कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, लेकिन आप लोग ब्लॉग में आना बंद मत कीजिए मेरा। हम उम्मीद करते हैं कि मेरा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगे और हम कोशिश भी करते हैं, बीच में बहुत तबीयत ख़राब था और अभी भी मेरा तबीयत ख़राब ही है फ्रेंड, मेरा कभी कभी सांस रुक जाता है, हम बहुत थक जाते हैं, मेरा बच्चा लोग परेशान हो जाता है मेरे लिए कि मम्मा आप बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन मत लीजिए कुछ नहीं होगा, आप हमेशा खुश रहिए। फ्रेंड हम भी हंसी खुशी रहना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है, पानी पी लेंगे। सो फ्रेंड देखिए मेरा बाबू पानी ला कर दिया है। मेरा इंसान मेरे को बहुत प्यार करता है फ्रेंड, हम कुछ भी बात बोलते हैं काटता नहीं है और मेरा हमेशा फिकर करता है। मेरा दोनों बच्चा बहुत अच्छा है फ्रेंड, मेरे को हमेशा सपोर्ट में रखता है, रहता है बच्चा लोग मम्मी को क्या चाहिए क्या नहीं, हमेशा तबीयत ख़राब में हम ठीक से खाते भी नहीं थे फ्रेंड, मेरा हस्बैंड भी बहुत गाली करते हैं खाते पीते नहीं है इस टाइम से, तो हम टेंशन हो जाते हैं फ्रेंड, कुछ भी हस्बैंड बोलते हैं बच्चा लोग भी चिल्लाने से हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वैसे तो मेरे को गुस्सा होने का कोई हक नहीं बनता, बच्चा लोग इतना ध्यान देता है मेरे को और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही मेरा बच्चा लोग मेरे से प्यार करते रहे और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सो फ्रेंड देखिए अभी मसाला फ्राई हो गया है और अभी ये चिकन, ये क्या है लेग पीस है मेरा बाबू और बेटी के लिए, देखिए दोनों भाई बहन के लिए ऐसे कटिंग करके लाते हैं हम लोग, और ये मेरा सासू माँ के लिए बतख मीठे फ्रेंड अलग से बनाएंगे। तो पहले हम चिकन बना लेते हैं, एक थाली ला दीजिए तो ढाक देंगे, थाली एक ला दीजिए। ए तो चिकन तो हम चिकन
चिकन बनने के बाद मेरा सासू मोम के लिए हम बटर मीट बना देंगे, क्योंकि मेरा सासू मोम खाती नहीं है, मतलब वो चिकन नहीं खाती है, तो इसलिए उनके लिए देसी वाला हंस, मतलब हंस भी बोलते हैं बतख भी बोलते हैं, तो हम लोग उसको ला दिए हैं, तो उसको बाद में बना देंगे, पहले इसको बना लेते हैं। तो उसके लिए भी फ्राई व्राई करके रखे हैं, तो आपको बन जाने के बाद बतख भी दिखाएंगे कि कैसा बना है रेसिपी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे लिए, अगर हमको थोड़ा सा हम लोग प्यार करते हैं तो। हमको तो ब्लॉग बनाने में अच्छा भी नहीं लगता, हमको लगता है आप लोग को हम बोरिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि मेरा टाइम पास हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा भी लगता है हर चीज़ आप सबसे शेयर करते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉग पर देखिए फ्राई हो रहा है, और इंडक्शन में बनाने से फ्रेंड थोड़ा लेट होता है, इतना जल्दी नहीं हो पाता है, तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पर बने रहिए। और अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं ताकि टेस्ट और अलग टाइप का लगेगा। मेरे नमक स्वाद अनुसार दे दे रहे हैं, तो नमक डाल दिए, इसको भी चला देते हैं फ्रेंड। अभी थोड़ा लेट लगेगा बनने में, तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पर बने रहिए। फ्रेंड आप लोग को मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और इससे भी अच्छा अच्छा हम ब्लॉग आप सबको दिखाने वाले हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग। तो ऐसे ही मेरा ब्लॉग पर देखते रहिए और देखते हैं कैसा बनता है, आप लोग भी बने रहिए मेरा ब्लॉग पर, अच्छा लगता है हमको ब्लॉग करके आप सबको दिखा रहे हैं और ज़्यादा कुछ। सो फ्रेंड हम लोग देखेंगे अभी कैसा बन रही है, देखिए बन के रेडी हुआ ना नहीं आप सबको दिखाते हैं। वाव फ्रेंड देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है ना नहीं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइए। वाव आप सबको दिखाते हैं फ्रेंड, देखिए ना फ्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है, फ्लेवर बहुत अच्छा आया है, काफ़ी सुंदर कलर आया है। अभी हम इसमें दे देते हैं चिकन मसाला, ये रहा मसाला, इसमें डाल देते हैं चिकन मसाला, और बनके हो गया रेडी फ्रेंड्स। अब इसको ढांक देते हैं थोड़ी देर बाद करके, चिकन तो बन गया, अभी हम बना रहे हैं बतख मीट, तो आप लोग इसी ब्लॉग पर बने रहिए और हम बनाने के बाद आप सबको दिखा देते हैं। सो फ्रेंड हमने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं, मेरा जेठानी का बच्चा लोग को पहले पहुँचा के आएंगे फिर हम लोग खाएंगे, जाएगा पहुँचाने जाएगा, जा बेटा पहुँचा के आओ, क्या बड़ी माँ को पहुँचा दो, जाओ लो पहुँचा दे रहा, बढ़िया से पहुँचाना हाँ, बड़ी मम्मी को दे देना। सो फ्रेंड अभी बतख मीट भी बन के रेडी हो गया है, अभी चलिए मेरा सासू मम्मी को पहुँचा देंगे, सबको देंगे, और ये मेरा जेठ जी निकाल दिए दोनों को, अभी पहुंचा देंगे। फ्रेंड आप लोग देखिए हम लोग का खाना बनके रेडी हो गया है, ये रहा बतख मीट, ये रहा चिकन चावल, ये रहा ये क्या है भाजी, और इसको देखिए मेरा बाबू लोग को देखिए खाना, ये रहा मटर भात लेग पीस, और खाने वाला दोनों बेबी एंड बाबू, खाओ खाओ रेडी हो जाओ, खा लीजिए सब कोई, चलिए स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड, देखिए कैसा खा रहा, अच्छा अच्छा से बैठ के खाओ, जो ले दीजिए यहाँ पर, हाँ दे देंगे, आप पहले खा लीजिए बैठ के, ठीक से ठीक से बैठ जाओ, मैं स्पीड खा रहा देखा फ्रेंड को, हाय बोल दीजिए, खा रहे हो दिखा दीजिए आपका ये तो लेग पीस, तो सो फ्रेंड आप लोग को देख के खुशी लग रहा है या नहीं, हमको तो बहुत खुशी लग रहा है, बच्चों लोग को हंसी खुशी रखने बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, हाँ ले लीजिए,
बताओ तो ठीक लग रहा ना। इतना हड़बड़ी में बनाया सीजा नहीं है आपका सुस्ता बहुत टेस्टी लग रहा था। बतख बहुत अच्छा है बना है स्वप्न। देखिए लोग कितना मस्ती से खा रहा है। खाना खाओ जल्दी जल्दी बाबू, खाना खा लो। देखो मेरा खत्म हो गया सारा खाना, देख रहे हैं। आप भी खाइए जल्दी जल्दी। खाने चाहिए पहले, खा नहीं पाए। हड्डी निकल गया। अच्छा लग रहा ना बेटा, उसको देखिए फ्रेंड। चावल खत्म किया, देखिए पूरा भरा हुआ थाली में, पूरा फिनिश करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। सो फ्रेंड, मेरा बाबू खा के रेडी हो गया है और ये बोल रहा है कि हम लोग एक तो होटल खोलेंगे, ताकि वो खा खा के पेटू बनना चाहता है। है ना, दिन भर खाते रहोगे। देखिए खा के खत्म किया, धीरे धीरे खा रहा है। हाथ से खाए नहीं, एक हाथ से, दोनों हाथ से कोई नहीं खाता है। अभी आराम से खाएगा, देखिए इसका खाने का स्टाइल देखिए। अभी कैसे देखिए, देखिए फ्रेंड कैसे खा रहा, देखिए। हम सोचे थे फ्रेंड चिकन खाएगा ही नहीं, लेकिन अभी खूब ज़्यादा खाता है। देखिए लेग पीस खाने के बाद अभी उसको प्लेट में चिकन लिया हुआ है और बड़ी सुंदर खाता भी है। हाँ चिकन खत्म हो गया, अच्छा से खत्म कीजिए। हाँ और पेटू बनना है ना आपको, पेटू महाराज। सो फ्रेंड फाइनली सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और अभी हम जस्ट बैठे हुए हैं काम सारा ख़त्म करके। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू फ्रेंड है सब्सक्राइब करने ना भूले, ताकि मैं आज के लिए एक फ्रेंड इतना ही। बाय बाय।